वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिविक्स चैप्टर 7 क्लास 10। इस चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो कि डेमोक्रेसी का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप है, तो इसके कौन कौन से आउटकम्स है। आउटकम्स का मतलब हुआ कि पॉजिटिव आउटकम्स और निगेटिव आउटकम्स। यहां पर हम लोग कंपेयर भी करेंगे जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। डेमोक्रेसी क्या है, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, तो यहां पर हम लोग कंपेयर भी करेंगे कि डेमोक्रेसी जो है डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है तो उससे कैसे बेटर है। अगर कोई कंट्री है वहां पर डेमोक्रेटिक, अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रेफर करता है तो कैसे विल नोन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ, क्योंकि डेमोक्रेसी के अलावा और भी डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होते हैं। अगर उन डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करेंगे तो है आपका, एक तो फर्स्ट डेमोक्रेसी हो गया, सेकंड हो गया मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे पावर जो रहता है कंट्रोल किसके अंडर में रहता है, जो मिलिट्री का हेड होता है जैसे कि जनरल हो गया उसके हाथ में रहता है। मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाद एक होता है थर्ड पॉइंट आपका मोनार्की, जिसमें पावर या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो हम बात करेंगे वो किंग और क्वीन होते हैं। मोनार्की हो गया आपका मिलिट्री फॉर्म ऑफ। इसके अलावा जो फोर्थ फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव वे से, तो है आपका डिक्टेटरशिप। तो जो डिक्टेटरशिप, मोनार्की, मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी, इन चारों में कौन सबसे अच्छा होता है, तो चारों में सबसे अच्छा यहां पे हम दिखाएंगे कि डेमोक्रेसी होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के पास कुछ स्पेशल फीचर्स है। वो कौन कौन से स्पेशल फीचर है जो डेमोक्रेसी को अच्छा बनाता है। अब देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता 100% तो सही नहीं हो सकता, तो क्या कुछ पॉजिटिव आउटकम्स यानी कुछ जो आपके सपोर्टिव फीचर है, इसके साथ साथ कुछ अपोज करने वाले फीचर्स है। क्या डेमोक्रेसी के पास कुछ निगेटिव फीचर्स भी है जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो डेमोक्रेटिक फीचर्स है, इसमें कौन कौन से आपको राइट्स मिलते हैं, ये सारे हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और जो ए स्पेसिफिक चैप्टर, इसे आपका 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछता है। और इसको जानने से पहले आपको जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं पावर शेयरिंग से लेकर के पॉलिटिकल पार्टी तक, वो जानना पड़ेगा, क्योंकि उसी के मैक्सिमम पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है। पॉइंट बोल, डेमोक्रेसी अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन वी कंपेयर विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर गवर्नमेंट। अगर हम इसके एनी अदर अल्टरनेटिव्स का मतलब कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो कौन हुआ, तो डिक्टेटरशिप हुआ, वो मोनार्की हुआ, वो मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ, तो कैसे डेमोक्रेसी बेटर है वो जो 3 डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है उससे। सबसे बड़ी बात कि डेमोक्रेसी के पास बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जिसमें सिटीजन की वेलफेयर की बात होती है, जबकि और जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें सिटीजन की वेलफेयर की बात नहीं होती है। इसमें सिटीजन को राइट्स रहते हैं, जबकि और भी जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसमें सिटीजन पास बहुत ज्यादा राइट नहीं रहता। वहां पे एटोनॉमी होती है, एटोनोमस पावर होती है, जो हेड होता है, चाहे हम जनरल की बात करें, चाहे हम मोनार्की के हेड किंग और क्वीन की बात करें, चाहे डिक्टेटर की बात करें। लेकिन डेमोक्रेसी का जो हेड होता है, जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया या प्रेसिडेंट, ऑटोनॉमस पावर इनके पास नहीं होता। और इसीलिए क्योंकि इन चारों सिस्टम में सबसे अच्छा है, मोर देन 125 कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेसी को प्रीफर करते हैं, क्योंकि एक अगर कोई कंट्री है, कोई नेशन है, तो एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आपको चाहिए जिसमें हर लोगों की ओपिनियन, हर लोगों की व्यू, हर लोगों की वेलफेयर डिमांड को फुलफिल किया जाए। आप किसी पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी की डिमांड को फुलफिल करके एक बड़े कंट्री पर रूल नहीं कर सकते, स्पेशली इंडिया जैसे बड़े कंट्री जो इतने ज्यादा डाइवर्स है, अलग अलग बेस पे, अलग अलग रिलीजन है, कास्ट है, आपका फिजिकल फीचर्स है, ट्रेडिशंस है, कल्चर है, तो इन सारे चीजों को फुलफिल करना पड़ता है एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसमें इन सब के बेस पर हम डिस्क्रिमिनेशन ना करके हर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते, तो इन सारे में सबसे सुटेबल आपका डेमोक्रेसी होता है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कुछ एग्जाम्पल आप बता दीजिए डेमोक्रेटिक कंट्री का, तो डेमोक्रेटिक कंट्री के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि इंडिया हो गया, आपका यूएसए हो गया, वेल नोन डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर हम मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सूडान हो गया आपका, माली हो गया, सूडान और माली, ये आपका जो दोनों अफ्रीका का कंट्री, ये आपका मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है।
अगर हम मोनार्की की बात करते हैं कि पावर जिसमें राजा और रानी के पास रहता है, तो वो कंट्री का एग्जाम्पल आपका हो गया भूटान, सऊदी अरब हो गया, ये आपके जिसमें पावर किंग और क्वीन के पास होता है। और मैक्सिमम ऐसे कंट्री हम लोग देख रहे हैं अभी, जो जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है कि बहुत सारे मोनार्की फॉर्म जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वहां के सिटीजन भी अवेयर हो रहे हैं और वो अपने लिए एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें उनकी हर डिमांड को फुलफिल किया जाए। अगर डिक्टेटरशिप जो एक कंट्री एक पैटर्न होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स का, तो उसके कौन से एग्जाम्पल है, तो आपका डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? फर्स्ट हम ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया को, सेकंड बुरांडी जो कि एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री अफ्रीका में। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉलो करते हैं, अप्रोक्स 200 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और उसमें से 125 से भी ज्यादा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये प्रीवियस चैप्टर्स में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री में डिफरेंस होता है। ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री हम उसको कहेंगे जो उसके सारे स्पेशल फीचर्स को फुलफिल करे। यहां तक क्लियर है कि जो अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात किए हैं कंट्री के एग्जाम्पल के साथ, उसमें डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कौन कौन से स्पेशल फीचर होते हैं, तो राइट्स होता है सिटीजन के पास, सिटीजन के वेलफेयर की बात की जाती है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्लासिफाइड करेंगे पॉजिटिव आउटकम्स और निगेटिव आउटकम्स के साथ, कि डेमोक्रेसी के पास वो कौन कौन से पॉजिटिव आउटकम्स है, वो कौन कौन से स्पेशल फीचर्स है जिसके बेस पे हम कहेंगे कि एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, अभी आगे देखिए, डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज, डेमोक्रेसी अच्छा है अगर हम कंपेयर करते हैं किसी और कंट्री से, तो डेमोक्रेसी अच्छा है। कैसे डेमोक्रेसी अच्छा है? फर्स्ट पॉइंट, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन। डेमोक्रेसी में प्रमोट किया जाता है, अपलिफ्ट किया जाता है इक्वालिटी, जिसको हम लोग सोवर्जिनिटी या फ्रेटर्निटी बोलते हैं, भाईचारा, कि आपके कास्ट रिलीजन के बेस पे जेंडर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इक्वालिटी प्रिफर की जाएगी। और ए स्पेशल फीचर कहां पे अवेलेबल रहता है? ए स्पेशल फीचर ओनली डेमोक्रेसी में अवेलेबल रहता है। ठीक है, द इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, इसमें प्रोटेक्ट की जाती है इंडिविजुअल की डिग्निटी की, आत्मसम्मान की। और जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वहां पे इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट नहीं किए जाते हैं, उसमें नहीं मतलब रहता है। लेकिन अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसमें भी ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आप उस पर्सन को उसके कास्ट के बेस पे नहीं बुला सकते, आप किसी एससी एसटी को उसके कास्ट के नेम के साथ नहीं बुला सकते, वो एक तरह से क्राइम है। तो इसमें प्रोटेक्ट करने एक प्रोसीजर होता है जिसमें प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है उसकी डिग्निटी की, उसकी आत्मस्वाभिमान को। इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसमें इंप्रूव होता है, क्या चीज इंप्रूव होता है, तो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी। कैसे डिसीजन मेकिंग क्वालिटी? कि कोई भी लीडर है वो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लेगा जिससे कि पब्लिक को प्रॉब्लम हो, या ऐसा कोई भी डिसीजन कोई नहीं ले सकता इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, नहीं लेजिस्लेचर, नहीं जुडिशियरी, नहीं एग्जीक्यूटिव, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम हो। हमेशा वेलफेयर की बात होगी, हमेशा आपकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बातें होंगी, जबकि जो थ्री अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वहां पे ऐसी कोई प्रोसीजर नहीं होता। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, इस ये जो सिस्टम है इसमें एक और मेथड प्रोवाइड होता है। वो मेथड क्या है? कि इसमें आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे दो टू कम्युनिटी के बीच में, टू इंडिविजुअल पर्सन के बीच में, टू स्टेट के बीच में, टू कल्चर के बीच में, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको चांस मिलता है कि आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को सॉर्ट आउट कर ले ड्यू टू हेल्प ऑफ जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, इन सारे सिस्टम से, जबकि उन सब में ऐसी चीजें नहीं होती। दूसरी बात कि उस जो हम लोग मिलिट्री फॉर्म डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, तो वहां पे ऑटोनोमस पावर होता है, अनकंट्रोल्ड होते हो, जबकि इसमें कोई भी अनकंट्रोल नहीं होता। अगर आपको चैप्टर वन याद है तो हम लोग हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग किए हुए थे। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग मतलब गवर्नमेंट की ऑर्गन जिसमें लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशियरी होता है, तो इसमें किसी के पास सुप्रीम पावर नहीं होता, चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे को वॉच करते रहते हैं ताकि कोई अपने पावर को ज्यादा एक्सरसाइज ना करे। इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, और एक क्या अलाउ करता है, ये अलाउ करता है कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं अमेंडमेंट के थ्रू या कोई कंप्लेन करके, लेकिन और जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैं तो वहां पर आप इस चीज को करेक्ट नहीं कर सकते, ये रूम अलाउ करता है, आपको चांस प्रोवाइड करता है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस। देखिए डेमोक्रेसी है क्या, तो डेमोक्रेसी आपको आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन,
डिलिब्रेट करने का अपॉर्चुनिटी देता है, नेगोशिएट कर सकते हैं आप, संधि कर सकते हैं किसी मुद्दे को लेकर के, लेकिन इसमें एक निगेटिव आउटकम इसका शो हो रहा है कि इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है काफी स्लो होता है। आपने वो मूवी देख रखा होगा तारीख पे तारीख, यानी कि अगर जुडिशियरी की बात करें तो काफी टाइम ले लेता है एक छोटे से डिसीजन के लिए। तो इसके कुछ निगेटिव आउटकम्स की भी चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सपोज कीजिए कि कोई बड़ी कंपनी इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रही है, वो चाह रही है अपनी ब्रांचेस सेटअप करना, उसको काफी टाइम लग जाता है अलग अलग प्रोसीजर को फुलफिल करने में। तो डेमोक्रेसी के कंपेयर में जो डिक्टेटरशिप है या मिलिट्री फॉर्म, क्योंकि वहां पर बहुत सारे प्रोसीजर आपको कंप्लीट नहीं करना पड़ता है, तो वहां पर चांसेस ज्यादा रहते हैं सेटअप का। इस चैप्टर में हम लोग एक चीज देखेंगे कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेस चांसेस रहते हैं देन टू डिक्टेटरशिप और मोनार्की, क्योंकि 1950 के बाद अगर हम कंपेयर करते हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री के कंपेयर में बहुत सारे डिक्टेटरशिप और मिलिट्री फॉर्म ऑफ कंट्री जो है गवर्नमेंट है वो ज्यादा डेवलप हुए हैं इकोनॉमिकली। तो इसके एक निगेटिव फीचर के चलते हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इसको हम साइड में नहीं रख सकते हैं। हर पॉजिटिव चीज के साथ कुछ निगेटिव होता है, जैसे कि फूल के साथ कांटे। डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव, और जो इसमें डिसीजन होता है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है अलग अलग लोगों से, क्योंकि गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन लेगी नहीं जिससे किसी पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो। तो गवर्नमेंट ऐसी डिसीजन लेती है या कोई भी पॉलिसीज ऐसे लॉन्च करती है जिसमें कि मैक्सिमम पीपल की वेलफेयर की बात की जाए और उनकी डिसीजन, उनकी वेलफेयर जो है अधिकतर लोगों के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है। पॉलिटिकल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेगिटिमेट। देखिए अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव और लेगिटिमेट, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल मतलब कि अगर सिटीजन चूज किए हैं किसी को एज ए लीडर तो उनके लिए और अकाउंटेबल है उनके वेलफेयर के लिए। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव मतलब कि अगर मैंने आपको एमएलए या एमपी बनाया तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे एरिया के प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कीजिए। यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो चूज करके जाती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा, तो उसको रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होना पड़ता है, और उसी के साथ साथ लेगिटिमेट मतलब लोगों की जो इच्छाएं हैं अच्छी, जो डिमांड है उसको फुलफिल करना पड़ता है। अगर हम ये दो क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं जो इस चैप्टर का सबसे फेमस क्वेश्चन में से है, स्टेट थ्री मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के थ्री मेरिट्स की बात करना, तो सबसे पहले कि इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है तो काफी सुटेबल होता है, स्लो होता है लेकिन सबसे सुटेबल होता है। इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा आपके रिप्रेजेंटेटिव चूज किए जाते हैं, इसमें इक्वालिटी की बात की जाती है। व्हाट आउटकम्स कैन बी वन बड़ा की रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, कैसे आप आउटकम्स, तो सारे पॉजिटिव आउटकम्स हम एक्सपेक्ट करेंगे डेमोक्रेसी में। सारे पॉजिटिव मतलब लोगों को राइट्स मिले, उनकी राइट्स प्रोटेक्ट हो, जो आपके प्रिंसिपल है वो प्रैक्टिस में रहे, क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल अच्छे हैं, रूल्स इसके अच्छे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे आकर के इसकी प्रैक्टिस की बात करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होते। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैलेंज है। आपके रूल अच्छे लिखे हुए हैं लेकिन हर रूल फॉलो नहीं होता। यहाँ पे हम डिग्निटी की बात किए लेकिन ग्राउंड लेवल पर डिग्निटी प्रोटेक्ट नहीं हो पाती है, तो ऐसे कुछ मेजर प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और भी ज्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाने के लिए। डेमोक्रेसी में और फीचर है, डेमोक्रेसी के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होते हैं। जैसे इंडिया एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, हम लोग किसी और को चूज करते हैं और एमपी और एमएलए मिलकर के गवर्नमेंट चूज करते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल फीचर है कि जो लोकल लेवल गवर्नमेंट में देखने को मिलता है हम लोग, जैसे कि हम मुखिया के लिए या वार्ड पार्षद के लिए अर्बन एरियाज में किसी को इलेक्ट किए तो हमारे ऊपर डायरेक्टली रूल करते हैं, हमारा वेलफेयर वो डायरेक्ट करते हैं, हम और वो किसी और को चूज नहीं करते हैं, कुछ पॉइंट को छोड़ दिया जाए। तो बहुत सारे स्पेशल फीचर हैं जिसके चलते डेमोक्रेसी जो है सबसे बेस्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। आज कुछ पॉजिटिव फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए और नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें कुछ नेगेटिव फीचर के बारे में और इसको कैसे बेटर कर सकते हैं इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, जो आपका रिमेनिंग पॉइंट है उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। दूसरी बात कि आपका मई में एग्जाम है क्लास 10th का, तो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर क्विज
हम लोगों के जो ऐप है एसएसटी पार्सल उस पर कंटिन्यू अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप चेक कीजिए, आप क्विज दीजिए, आप क्वेश्चन पेपर लिखिए, लिख करके आप ऑफलाइन भी हम सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है अगर आप बेटर मार्क्स लाना चाहते हैं तो। क्योंकि जिस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं अगर इतना प्रोसीजर कंप्लीटली कर ले तो 95% प्लस मार्क्स आएगा, क्योंकि प्रीवियस कुछ साल में आया भी है बच्चों का। तो हम लोग जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई भी चैप्टर में आपको डाउट है तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए या आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।